गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी वीडियोस में आपको मैं बोलता रहा मैं एक राइड के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर आज वो डे आ चुका है राइड का। तो मैं निकल रहा हूँ जम्मू से। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं या अदर किसी स्टेट से हैं, अगर आप भी इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वीडियोज़ पर एंड तक बिल्कुल बने रहें, ताकि आपको पता चलता रहे किस रोड से आना है, कौन सा रोड लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी लिंक रोड्स हैं। और इससे पहले आपके प्यार की मुझे बड़ी ज़रूरत है। सिर्फ आपने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि और ज़्यादा लोग इसको देख सकें, हमारे जम्मू की ब्यूटी को। वहाँ से बस यही मांगेंगे कि ये जो राइड है बिल्कुल सेफ रहे, अच्छे से जाऊँ, अच्छे से वापस आऊँ। तो मिलते हैं आपको फिर आगे। तो ठीक है, निकलते हैं फिर मंदिर में माथा टेक के और अपनी कन्या के पाँव। जय माता दी, जय माता दी, जय कर दो, जय दे दो पापा, जय दे दो जय। चलो ठीक है बाय, फिर निकलते हैं राइड करिए। ठीक है, ये रही अपनी बाइक, ये रहा अपना टॉप बॉक्स जो अभी नया फ्रेंड रिसेंटली अभी नया ही लगाया हुआ है। ये अपना कुछ ऐसा रहा फिटिंग, वो अच्छा रहेगा रास्ते में, कहीं खुले खुले नहीं। तो निकलते हैं फिर, मिलते हैं आगे, आपको जो कुछ दिखाना होगा रास्ते में दिखाते जाएंगे। फिलहाल जब भी कोई ट्रिप स्टार्ट करनी है तो बाइक से पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये चीज़ मांगती है पेट्रोल, तो फिर क्या पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं। पेट्रोल भी डलवा लिया, हवा भी चेक करवा ली। हम एक फ्रेंड के पास जाना है, वहाँ से थोड़ा सा सामान पिक करना है, तो निकल जाना आपने देखिए। फिलहाल वो जो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है वो सीधा कुंजवानी बाईपास से रास्ता आता है इस तरफ, और ये सीधा लेफ़्ट की ओर टर्न ले रहा है। हमने बस यहीं से लेफ़्ट लेना है, जो हमें बजालता में से होके सुरिंसर होके अपनी बनी की तरफ रास्ता ये निकलता है पूरा। बस इधर से आपको आगे पीछे कहीं नहीं मुड़ना, ये सीधा रास्ता आपको सुरिंसर ले जाएगा, फिर मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कहाँ पे टर्न लेना है। शुक्र है आज का मौसम थोड़ा खुला हुआ है, नहीं तो यहाँ पे दो तीन दिन से बारिश ही हो रही थी, तो राइड आज अच्छी हो जाएगी बिना बारिश के। लेकिन पता नहीं आगे जाके कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं है। ये रोड भी काफ़ी सीनिक है, रास्ते में दो तीन व्यू मिलेंगे, वो वैसे भी मैंने आपको पिछले अपने एक दो व्लॉग्स में दिखाए हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं आज फिर से वो व्यूज़ कैप्चर कर लूँगा तो आपको भी दिखा देंगे साथ में। फिलहाल मैं जिस व्यू पॉइंट की आपसे बात कर रहा था कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, ये जम्मू से कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरी जम्मू वैली दिखाई देती है नीचे जितना भी है सारा। ये जो जम्मू उधमपुर कटरा का रेलवे ट्रैक यहीं से निकलती है, और ये सनसेट पॉइंट भी है, बड़ा प्यारा सनसेट होता है यहाँ से। जब कभी आप इस रास्ते से निकले यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ का व्यू पॉइंट देखें, सनसेट एंजॉय करें। ये जो सामने आप जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारा सीधड़ एरिया है, ये पूरा हम वहाँ से उस साइड से पूरा घूम के आए हुए हैं पहाड़ी का चक्कर काट के। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, आगे एक दो व्यू पॉइंट और हैं वो भी आपको दिखाते ही निकलूँगा, क्योंकि बार बार तो आने का यहाँ पे मौका मिलता ही नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है, मेरी वीडियोस को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लगा कमेंट कर देना, ना भी अच्छा लगे तो बता देना क्या बुरा लगा आपको, ताकि उसको मैं आने वाले टाइम पर सुधारूँ और चेंजेस लाऊँ। क्योंकि अभी मेरा नया नया बिल्कुल व्लॉगिंग करना, मोटो व्लॉगिंग, तो ऐसा ऐसा ही सीखूँगा, और सिखाने वाले भी आप लोग ही हैं, गलतियाँ भी आप ही सुधारोगे। तो अपनी तरफ से जो कोशिश अच्छी हो बन पाएगी तो मैं करता रहूँगा। फिलहाल मैंने 25 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया हुआ है, नियर अबाउट 200 किलोमीटर और है यहाँ से, तो व्लॉग्स भी काफ़ी लंबे रहने वाले हैं, तो मैं अपनी तरफ से छोटे छोटे व्लॉग्स ही डालूँगा ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, जैसे 10 मिनट के व्लॉग डाल दिया करूँगा मैं।
पॉसिबल नहीं हो पाती, कुछ फ्रेंड्स की वजह से और कुछ रिलेटिव की वजह से ही मैं पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि इतना पैसा तो था नहीं मेरे पास कि मैं इतना सामान इकट्ठा कर सकूं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ रिलेटिव्स और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है ये चीज़ें लेने में। हाँ, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी मेरे पास, बट इतनी नहीं थी कि मैं ये सामान वगैरह इकट्ठा कर पाऊँ या राइड कर पाऊँ। तो जिन्होंने भी मेरी हेल्प करी है उन सबके लिए थम्स अप एक। इसी तरह अपना प्यार इन फ्यूचर भी बढ़ाते रहें ताकि मैं और अच्छी अच्छी राइड्स करूँ, आपको और अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँ। तो ये हम पहुँचे अब दूसरे सेकेंड व्यू पॉइंट पे, बाइक लगाता हूँ साइड पे, तो आपको दिखाते हैं दो तीन चीज़ें। फ़िलहाल ये सुरिंसर रोड में एक आखिरी व्यू पॉइंट है, हल्का सा चढ़ना पड़ता है या कि सांस फूल जाती है। ये रहा आपके सामने ये व्यू पॉइंट, ये सामने आप देख रहे हो नीचे, ये तवी नदी है, ये छोटा सा गांव है और ये दूर दूर तक फैले हुए जम्मू के पहाड़। कौन कहता है कि जम्मू में पहाड़ नहीं होते, होते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो सब कहेंगे जम्मू में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है जम्मू में देखने के लिए, बट उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकल पाते तो ठीक है, मेरी वीडियो के ज़रिए देख लो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फिलहाल इस व्यू पॉइंट को मैं एंजॉय कर ही रहा था, तो निकलते हुए मेरे बड़े पुराने मित्र स्वर्ण सिंह यहाँ के रहने वाले हैं। तो हेलो स्वर्ण, कैसा है? और ठीक, देख ले, ऐसे हम मिलते नहीं है कभी भी, अचानक यहाँ पे मैं जब भी इस व्यू पॉइंट में, तू मिला ही मिला मेरे को। तो करता क्या तू ऐसे यहाँ पे? सही सही जगह रह रहा है, अच्छी जगह है। ये जो आप सामने वाला गांव देख रहे हो, बस इसी गांव में, इसी जंगल के बीच में इनका घर है, और काफ़ी अच्छा मतलब मौसम रहता है यहाँ पे भी। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से, इनको भी बाई कहता हूँ, तो मिलते हैं आपको आगे सफ़र में। फिलहाल जो सुरिंसर है, ये एक लेक का नाम है, बहुत ही प्यारी लेक है, ये हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। तो हम जम्मू वालों का ये बड़ा ही फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। गर्मियों में थोड़ा दिन में गर्मी रहती है, बट अगर शाम के टाइम में अगर आप यहाँ पे आते हो तो वेदर यहाँ का बड़ा ही प्लेजेंट रहता है और कूल रहता है। ये कुछ ऐसी है सुरिंसर लेक, बीच में एक छोटा सा आइलैंड भी है, मैं आपको थोड़ा बाइक रोक के दिखाता हूँ। वो सामने एक बीच में आइलैंड है, यहाँ पर बोटिंग भी करवाई जाती है। तो आइलैंड में कहते हैं कि बहुत ही सांप वगैरह हैं और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, वो भी इसी आइलैंड में रहते हैं जो बीच में ये आइलैंड दिखाई दे रहा है। और देखो तो ये काफ़ी अच्छी झील है, और ये झील जो है मानसर लेक और सुरिंसर लेक दोनों आपस में कनेक्टेड है, बट आपको इसका कनेक्शन ऊपर से नहीं दिखेगा, ये अंडरग्राउंड कनेक्शन है। जो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आते हो, अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ करानी है, ये सारा यहाँ पे रहा एरिया पूरा एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये रहा कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे रिसेंटली अभी कमल के फूल खिले हुए हैं, ये आपके सामने ही है। लास्ट टाइम आया था तब सिर्फ यहाँ पे पत्ते थे उसके, तो अभी यहाँ पे फूल भी खिलाए हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा दिखता है पीछे लेक, ये यहाँ पे कमल के फूल, तो अपने पीछे वो जो रहा पॉइंट, वहाँ पे बोटिंग पॉइंट है, वहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो, अभी लोग कम आ रखे हुए हैं। तो मैं निकलता हूँ, ये सुरिंसर तक का सफ़र था मेरा, तो आगे कंटिन्यू करता हूँ। रास्ते में अगर और भी कुछ दिखाने लायक हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं सुरिंसर में कोई 10 मिनट का ब्रेक लिया था, पानी शानी पिया, तो निकल गया हूँ सुरिंसर से। ये जितना भी एरिया है सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको मतलब अगर किस्मत होगी तो जंगली जानवर देखने को मिल सकता है, जंगली पक्षी हैं यहाँ पे, मोर है, वो भी मौसम के हिसाब से बाहर निकलते हैं, टाइम के हिसाब से, या तो अर्ली मॉर्निंग में दिखेंगे या तो थोड़ा इवनिंग में। अगर मेरे को भी अगर कुछ रास्ते में दिखाई देगा तो आपको भी ज़रूर दिखा दूंगा मैं। अभी मौसम में थोड़ा बदलाव आया, थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया मौसम, और ये जितने पेड़ है सारे चीड़ के पेड़ है, और जैसे ये चीड़ के पेड़ की रेंज शुरू होती है यहाँ से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। थोड़ा पीछे वाली साइड थोड़ा गर्म था, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है, अंदर से तो पूरा कपड़े गीले हो रखे हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिखा सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये कुछ बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे पाई जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 22 किस्म की बटरफ्लाइज हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगी।
फ़िलहाल जहाँ जिस रास्ते से मैं आया हूँ सुरिंदर वाला, वो यहाँ पे टच करता है। तो ये जो राइट साइड है, ये आप सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक मानसर मोड़ पड़ता है, वहाँ से आपने राइट टर्न लेना है। अगर आप सांबा वाली साइड से आ रहे हो, जम्मू से आ रहे हो, तो लेफ़्ट टर्न लेना है। तो वो रोड यहाँ पे आके मिलता है, और ये लेफ़्ट साइड, यहाँ पे हम चलेंगे उधमपुर वाली रोड पे। फिलहाल उधमपुर वाली रोड पे थोड़ा सा ही चलना है, उसके बाद एक और कट आएगा जो मैं दिखाता हूँ आपसे, फिर वहाँ पे दोबारा से राइट टर्न लेना है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल जाएगा रास्ता। फिलहाल ये रास्ता एक और यहाँ से कट जाता है, ये पूरी धार रोड शुरू हो गई। यहाँ से लेफ़्ट चले जाओ तो उधमपुर की साइड, जो आपको सीधा श्रीनगर भी ले जाएगा, ये अपना राइट आ गया, ये सीधा कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफ। यहाँ पे आपको फास्ट फूड मिल जाएगा, यहाँ के मशहूर भल्ले जो आप सांबा और लखनपुर में खाते हैं, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। फ़िलहाल अभी मुझे तो भूख नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, तो निकल रहा हूँ यहाँ से।